सुप्रभात, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को आएगा फैसला। संदेश खाली के दोषी जिंदगी जेल में काटेंगे। कूच बिहार में बोले पीएम मोदी। यूपी एसटीएफ ने दो पाकिस्तानी नागरिक समेत तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार। हेमा मालिनी पर दिए बयान को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। तेलंगाना के कई बीआरएस नेता सीएम रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में हुए शामिल। अब खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे तय। 12 को राजनाथ सिंह की जनसभा। ड्राइवर को आई नींद की झपकी। देवप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। पिथौरागढ़ में स्टेटिक सर्विलांस टीम ने पकड़ा काला धन। चुनाव में इस्तेमाल होने की थी आशंका। उत्तराखंड एसटीएफ ने यूपी में दबोचा हिस्ट्री शीटर। गैंग वॉर के बाद से था फरार। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रुड़की। बीजेपी नेता के घर बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। जय हिंद।